नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाओ, और जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि 3 बजे में आज आप सबके सामने एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आऊंगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर वेन आरेख का मैं लेकर आया हूँ, और वेन डायग्राम की अगर बात करें तो वेन डायग्राम में 2 या 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो एक पहला, दूसरा, तीसरा। तो आज कुछ अट्रैक्टिव लेकर आया हूँ आप सबके सामने। तो चलिए दोस्तों जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाओ, और आज की इस क्लास को, इस सेशन को मैं जो है स्टार्ट करने वाला हूं, और आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो वेन डायग्राम में जो कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपको देख पा रहे होंगे, तो जो इस प्रकार के प्रश्न हैं, आज मैं इनकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स आप सबकी समाप्त करके जाऊंगा। बस थोड़ा सा आप सबको जो है धैर्य बनाना होगा, धैर्य बनाकर रखना। इस प्रकार के प्रश्न अगर पूछता है, ऐसा नहीं है कि इससे पहले मैंने नहीं पढ़ाया, इससे पहले भी मैंने कुछ पढ़ाया है, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ ऐसे ही प्रश्न लेकर आया हूं, और इनको कंप्लीटली जीरो लेवल से लेकर स्टार्ट करूंगा, और हाई लेवल तक के जितने भी प्रश्न मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं, सारे के सारे क्या कर दूंगा, समाप्त करके जाऊंगा। बस थोड़ा सा धैर्य बना कर रखना पड़ेगा, और अगर धैर्य बना ले गए तो आज मैं ऐसे प्रश्नों का द एंड कर दूंगा, चाहे आपको कुछ आता हो और चाहे ना आता हो। आता हो तो बहुत बढ़िया, नहीं आता तो सीखने का एक सुनहरा अवसर। तो सभी को एक बार गुड आफ्टरनून, जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन के मैं स्टार्ट करता हूं बहुत ही शानदार तरीके से। तो दोस्तों सेशन में चलने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आप सभी को समझना पड़ेगा कि क्या क्या इसमें कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो मैं आज थोड़ा सा उनके बारे में बताऊंगा, और मैं थोड़ा सा समय लूंगा, और जब तक उसको नहीं समझोगे तब तक ये प्रश्नों को करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैं आप सबको पहले से बता दूं, अगर आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता है तो आई थिंक आप कर लोगे, लेकिन अगर मैंने शुरुआत में थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट को बता दिया तो शायद प्रश्नों को करने में ज्यादा मदद मिलेगी आप सबको, ठीक है। तो चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए, और मैं आपको थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, और कॉन्सेप्ट बताने के बाद फिर मैं आप सबको जो है एक एक करके लेकर हम प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर यहां पर बात करें कि हमें पता है कि वेन डायग्राम में इस प्रकार के प्रश्नों में, तो दोस्तों अगर देखा जाए तो जैसे मान लीजिए कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये, मान लीजिए एक सर्कल होगा, और इसको हमने कह दिया कि ये हिंदी पढ़ने वाले लोगों की संख्या है। तो अगर दोस्तों कह दिया कि मान लीजिए ये हिंदी पढ़ने वाले लोगों की संख्या है, ये जो डिनोट करता है ये इनको बताता है जो हिंदी, जो ये सर्कल होगा पूरा का पूरा, ये किसको बताएगा, जो हिंदी पढ़ते हैं। और अगर दोस्तों बात करें, अगर इसको मैं यहां से और ले लूं, एक सर्कल और बना दूं, तो ये सर्कल आप उनको बताएगा जो इंग्लिश पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश पढ़ते हैं। तो अगर हम सब बात करें तो ये पूरा का पूरा सर्कल हिंदी को बताता है, और ये पूरा का पूरा सर्कल किसको बताएगा, बताएगा इंग्लिश को बताएगा, इंग्लिश पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या को बताएगा। लेकिन अब आपके पास प्रॉब्लम क्या है, मान लो हमें पता चल गया ये वाला पूरा सर्कल हिंदी को बताएगा और ये वाला पूरा सर्कल इंग्लिश को पढ़ने वालों को बताएगा, लेकिन जब ये दोनों में यहां पर ये कॉमन हो गया, ये कॉमन वाला एरिया दोनों का, ये कॉमन वाला एरिया किसको दिखाएगा, तो दोस्तों जो कॉमन वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया मैं आपको बता दूं, तो ये वाला जो एरिया होगा ये हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या को बताएगा, जो हिंदी भी पढ़ते हो और क्या करते हो, इंग्लिश भी पढ़ते हो। समझ में आ गई बात? तो यहां पर हमने देख लिया कि ये जो एरिया होगा हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या को बताएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं 5 रख दूं, यहां पर मैं 8 रख दूं, और यहां पर मैं 4 रख दूं, तो मेरा सवाल यह, मैं छोटा सा पॉइंट लेकर चल रहा हूं और एक एक पॉइंट को लेकर चलूंगा। तो दोस्तों मेरा सवाल यह है आपसे कि जैसे मैं अगर मैं कह दूं कि हिंदी पढ़ने वाले की संख्या, ध्यान से समझना, अगर मैं कह दूं कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ते हैं, तो कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ते हैं, तो हिंदी पढ़ने का, हिंदी का सर्कल पूरा जितना आएगा, टोटल हिंदी पढ़ने वालों की संख्या को दर्शाएगा। तो कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ते हैं, तो हिंदी की बात करें तो पूरा हिंदी वाले सर्कल में जितना आएगा, सारे के सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, हिंदी पढ़ेंगे। तो हिंदी का सर्कल पूरा यहां से लेकर यहां तक है, तो 5 ये और 4 ये, तो 5 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 9। तो हिंदी पढ़ने वालों की संख्या टोटल कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, ठीक है। अगर दोस्तों यही पर हमने बात कर लिया, अगर मैं कह दूं कि वनली हिंदी, वनली का मतलब समझ रहे हैं केवल हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, क्योंकि आपने एक बात देखा होगा कि 4 लोग हिंदी तो पढ़ रहे हैं, लेकिन 4 में ये 4 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, तो मतलब हिंदी और इंग्लिश 4 लोग दोनों लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर हिंदी की बात करेगा तो 5 और 4 टोटल 9 लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, लेकिन ये 4 लोग ऐसे हैं कि जो इंग्लिश
इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, वो कह रहा है कि ओनली हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या को बताना है जो केवल और केवल सिर्फ हिंदी ही पढ़ रहे हो और बाकी उनसे इंग्लिश से कोई मतलब ना हो। तो अगर हम इस चार को यहां से हटा देंगे, इस चार को यहां से हटा देंगे क्योंकि चार लोग इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, तो केवल हिंदी पढ़ने वालों की संख्या जो ये वाला पूरा एरिया होगा वो केवल हिंदी पढ़ने वाली संख्या की क्या करेगा, डिनोट करता है। तो केवल हिंदी पढ़ने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। समझ में आई बात? अब दूसरी बात यहां पर आपको यह समझना है, अगर मैं आप सबसे कह दूंगा कि इंग्लिश पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपसे कह दूं कि इंग्लिश पढ़ने वाले लोगों की संख्या, तो हमें पता है कि इंग्लिश का एरिया पूरा यहां से यहां तक है, तो जितना भी जितना का पूरा का पूरा इंग्लिश का एरिया होगा वो सारे के सारे हिंदी पढ़ेंगे। तो यहां से लेकर दोस्तों यहां तक ये वाला जो डायग्राम है ये इंग्लिश को डिनोट करता है, तो 4 और 8 सबको जोड़ेंगे, तो 8 और +4 की बात करें तो 12 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो इंग्लिश पढ़ेंगे। लेकिन अंतर क्या आएगा, अगर मैं यहीं पर कि ओनली इंग्लिश पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बताइए जो केवल इंग्लिश पढ़ते हो, तो केवल इंग्लिश, क्योंकि 4 लोग ऐसे लोग हैं जो हिंदी भी पढ़ते हैं लेकिन उसने कहा कि केवल और केवल इंग्लिश पढ़ना चाहिए, तो केवल इंग्लिश पढ़ने वालों का डायग्राम पूरा यह होगा, तो ऐसे संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। बस इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से समझना था और पढ़ना था, और इसी आधार पर प्रश्न आप सबसे क्या करता है, पूछता है। तो एक छोटा सा मैंने डायग्राम आपको लिया है, अगर मान लो पर 3 लोगों की बात कर देता है तो थोड़ा सा आपको चेंजेस करना पड़ेगा, तो मैं 3 लोगों की भी थोड़ा सा आपको बात बता देता हूं कि मान लो अगर हमारे सामने 3 डायग्राम आ जाएंगे तो कैसे प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा उसको ध्यान से देखिएगा डियर। मैं तो मान लीजिए जैसे अब यहां पर बात करें, जैसे कह दिया जाए कि यहां पर मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, अभी हमने बात किया था और मैंने कहा था कि यह केवल और केवल पूरा का पूरा सर्कल किसको बताता है, हिंदी पढ़ने वालों को। लेकिन अगर मैं यहां पर थोड़ा सा और चेंजेस कर दूं, यह सर्कल किसको बताता है, इंग्लिश पढ़ने वाले को, और यह सर्कल जो है ये वाला, तो यह सर्कल इंग्लिश और हिंदी दोनों को बताएगा। लेकिन एक अगर डायग्राम यहां पर और खींच दूं तो यह मान लीजिए आपका मैथ के सर्कल को बताएगा, किसके, मैथ के सर्कल को बताएगा, तो यह पूरा एरिया मैथ को बताएगा, ये पूरा एरिया हिंदी को बताएगा, और ये पूरा एरिया किसको बताएगा, इंग्लिश की। लेकिन अगर केवल, अगर केवल शब्द का इस्तेमाल करता है कि केवल हिंदी पढ़ने वालों को, तो केवल हिंदी को ये वाला एरिया, केवल इंग्लिश को ये वाला एरिया, और केवल मैथ को ये वाला एरिया। लेकिन अब 2 सब्जेक्ट की बात करें तो ये वाला जो एरिया होगा ये हिंदी और इंग्लिश दोनों को बताएगा, ये वाला जो एरिया होगा इंग्लिश और मैथ दोनों को बताएगा, और ये वाला जो एरिया होगा मैथ और हिंदी को बताएगा। लेकिन दोस्तों आपको ये ध्यान देना होगा कि ये जो एरिया बीच में होगा ये मैथ, हिंदी और इंग्लिश तीनों को बताएगा। तो मैं कुछ संख्याएं यहां पर दर्शा देता हूं जिसको आज, जिससे आप सभी को आसानी से बातें समझ में आ जाए। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए यहां पर मैं लिख दिया 4 लिख दिया, यहां 5 लिख दिया, और यहां पर 2 लग दिया, यहां पर आपका जो है 6 लिख दिया, यहां पर 7 लिख दिया, यहां पर आपका 8 लिख दिया, और यहां पर आपका जो है 3 लिख दिया, इतना हमने लिख दिया। तो सारा का सारा सलकर हमने क्या किया, इंप्रूव कर लिया। तो अब आपको अंतर समझना है, मैं प्रश्न बोलता जाऊंगा और आप सबको कमेंट में अपने आंसर्स देने जाते हैं कि जो मैं पूछ रहा हूं क्या वो बात सत्य है कि असत्य है। थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना, पूरा मैं सिखा दूंगा। तो दोस्तों यहां पर ध्यान से देखा जाए, अगर मैं कहूं कि हिंदी पढ़ने वालों की संख्या, तो हिंदी पढ़ने वालों की संख्या की अगर बात किया जाए तो हिंदी पढ़ने वालों की संख्या कितनी है यहां पर, तो हिंदी पढ़ने वाले जितना हिंदी के सर्कल में आएगा उस सारे के सारे हिंदी पढ़ेंगे। तो यहां पर कितना आएगा, 4 आएगा, +2 आएगा, +6 आएगा, +7 आएगा, क्योंकि हिंदी की उसने बात किया है। तो जितना हिंदी के डायग्राम में आएगा वो सारे के सारे हिंदी का अध्ययन करेंगे। तो यहां पर जोड़ देंगे तो 4, 2, 6, 6, 12, और 12, 7 कितना आएगा, 19। तो यहां 19 लोग ऐसे होंगे जो हिंदी को पढ़ रहे होंगे। ध्यान से समझ पा रहे मेरी बात को, इतनी बात कर लिया। लेकिन दोस्तों अंतर कब आता है, अंतर तब आता है जैसे मैं आपको प्रश्न कह दूंगा कि केवल हिंदी की अगर बात करें, ओनली हिंदी अगर बात करें, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या आपको बताना है जो ओनली हिंदी का अध्ययन कर पा रहे हो, तो ओनली हिंदी पढ़ने वालों की संख्या केवल और केवल, भाई सारे के सारे हिंदी पढ़ रहे हैं, उसने कहा कि केवल हिंदी पढ़ना चाहिए, ना इंग्लिश से मतलब होना चाहिए, ना मैथ से मतलब होना चाहिए, तो केवल हिंदी कितने लोग पढ़ रहे हैं, 4 लोग। देख पा रहे होंगे 4 लोग ऐसे, उनको और किसी सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं। तो यहां पर आंसर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से
और आगे बढ़े तो और आगे बढ़ेंगे तो अगर कह देगा कि इंग्लिश पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो इंग्लिश पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो जब इंग्लिश की बात करेगा तो इंग्लिश का जितना भी पूरा का पूरा डायग्राम होगा वो सारे के सारे विद्यार्थी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, भले ही दो लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, भले ही आठ लोग मैथ भी पढ़ रहे हैं, भले ही छह लोग हिंदी और इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लेकिन भैया इंग्लिश भी तो पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश का जितना भी डायग्राम होगा सबको जोड़ देंगे तो यहां कितना आएगा भाई, दो आएगा, प्लस पांच आएगा, प्लस छह आएगा और प्लस कितना आएगा, आठ आएगा, तो सबको जोड़ा जाए तो 8 6 14 और 14 5 कितना हो गया 19, 19 और 2 कितना होगा 21, तो यहां पर इंग्लिश पढ़ने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी 21। अगर यही पर चेंज कर दिया जाए, ओनली इंग्लिश की बात कर दिया जाए, केवल इंग्लिश की बात कर दिया जाए, तो आप सबको पता है कि थोड़ा सा चेंजेस होगा, केवल और केवल इंग्लिश पढ़ना चाहिए और बाकी किसी सब्जेक्ट से मतलब नहीं होना चाहिए। तो भाई अगर इनकी सबकी बात करें, 2 6 8 को हमने काउंट तो किया था, लेकिन 2 6 2 लोग ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ रहे हैं, 8 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, 6 लोग ऐसे जो हिंदी और मैथ दोनों पढ़ रहे हैं, तो यहां पर उसने कहा कि केवल इंग्लिश पढ़ना चाहिए, तो 5 लोग ऐसे हैं अगर इंग्लिश के डायग्राम में देखा जाए कि सिर्फ और सिर्फ उनको इंग्लिश से ही मतलब है और बाकी किसी सब्जेक्ट से मतलब नहीं है। तो वो यही पूछ रहा था कि ऐसे लोगों की संख्या बताइए जो केवल और केवल क्या कर रहे हैं, 5। तो आप लोग आंसर दे रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं, मैं थोड़ा सा बात नहीं कर पाऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट को ध्यान से सीखेगा फिर मैं आप सबसे बात करूंगा, ठीक है। अगर आपको क्लास समझ में आ रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक्स की संख्या से बताइएगा कि हां सर मुझे समझ में आ रहा है, मैं देख पा रहा हूं कि अगर आप लाइक्स की संख्या को बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे मैं आगे आपको लेकर चलता चलूंगा। इतनी बात हमने कर लिया दोस्तों, अब आगे अगर बढ़ा जाए तो यहां से अब मैथ की बात करते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या को आपको बताना है, यहां पर ऐसे विद्यार्थियों की संख्या को बताना है जो मैथ पढ़ते हो, तो मैथ के सर्कल में जितना भी कुछ आएगा वो सारे के सारे मैथ को डिनोट करेगा, तो सबको जोड़ लीजिए, तो यहां पर 3 आएगा, प्लस 7 आएगा, प्लस 6 आएगा और प्लस 8 आएगा, तो 8 6 14 और 14 7 21, 21 और 3 कितना होगा 24, तो यहां पर मैथ पढ़ने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी, मैथ पढ़ने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। अब दोस्तों यहां पर अगर मैं ओनली शब्द का इस्तेमाल कर दूं कि ऐसे लोगों की संख्या बताओ जो केवल मैथ पढ़ते हैं, तो जब केवल मैथ की अगर हम सब बात करेंगे तो केवल मैथ में मतलब केवल और केवल मतलब सिर्फ और सिर्फ मैथ पढ़ना चाहिए और बाकी किसी भी सब्जेक्ट से मतलब ना हो, तो यहां पर बताओ ध्यान से देखा जाए तो 3 लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल मैथ ही पढ़ रहे हैं और बाकी किसी सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, तो इसका आंसर कितना आएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो दोस्तों मैं अब आशा करता हूं कि ये जो मैं पॉइंट आप सबको समझाना चाह रहा था ये बात आप सब तक पहुंच गई होगी, क्लियर है ना, आप सब तक ये बात पहुंच गई होगी। अब दूसरे पॉइंट में चलते हैं, आगे देखते हैं कि यहां पर क्या पूछता है, तो मैं इसको थोड़ा सा रफ करने वाला हूं और रफ करने के बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको रफ करते हैं। तो दोस्तों इतनी बातें हम सबने समझ लिया और इसी के आधार पर आगे आपके प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों को जब तक ध्यान से नहीं समझेंगे तब तक यहां पर आपको अंतर समझ में आता रहेगा। अब दोस्तों अगर मैं कह दूंगा कि हिंदी और प्लस इंग्लिश पढ़ने वालों की संख्या बताइए, ऐसे लोगों की संख्या बताओ जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, दिमाग इधर उधर मत ले जाना, और अगर थोड़ी देर कंसंट्रेट हो गए 10 मिनट में सब कुछ सिखा के कंप्लीट कर दूंगा, इसके बाद जो मन करे करिएगा। तो यहां पर हिंदी और इंग्लिश की बात कर रहा है, तो ऐसे लड़कों की संख्या बताना है, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बताना है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं, तो आप यह देखो कि हिंदी और इंग्लिश का डायग्राम कितना कॉमन है। तो दोस्तों अगर यहां से देखें तो हिंदी का डायग्राम यह है, इंग्लिश का डायग्राम यह है, तो यह वाला एरिया ऐसा है जो हिंदी और इंग्लिश में कॉमन है, तो यह वाला एरिया ऐसा है जो हिंदी और इंग्लिश को कॉमन कर रहा है, तो यहां पर 2 और 6 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 2 और 6 कितना 8, मतलब 2 और 6 कितना 8, मतलब 8 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों को पढ़ रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो 8 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों को क्या कर रहे हैं पढ़ रहे हैं, ये आपको ध्यान देना है। कह रहा है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ना चाहिए, तो भाई जितना डायग्राम हिंदी और इंग्लिश का कॉमन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा यहीं पर चेंज कर दूं, अगर मैं यहां पर लगा दूं कि ओनली केवल हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो यहां पर लैंग्वेज क्या होगा आंसर आपका बदल जाएगा। अब यहां पर कह रहा है कि केवल हिंदी और इंग्लिश पढ़ना चाहिए, तो जब केवल हिंदी और इंग्लिश की बात करेगा तो दोस्तों अब मेरी बात ध्यान से समझो आप सभी लोग। अब उसने कहा कि केवल हिंदी और इंग्लिश, तो भाई जो 6 लोग ऐसे हैं, तो जो 6 लोग ऐसे हैं, तो 6 लोग ऐसे हैं जो मैथ भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उसने कहा कि भाई केवल हिंदी और इंग्लिश पढ़ना चाहिए, मैथ से मुझे मतलब नहीं है। यहां पर हमने देखा था तो 6 लोग
लोग देखो मैथ हिंदी और इंग्लिश तो पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में 6 लोग मैथ भी पढ़ रहे थे, लेकिन उसने कहा था कि हिंदी और इंग्लिश पढ़ना चाहिए, तो हमने कहा कि हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वालों की संख्या 8, लेकिन उसने कहा कि केवल हिंदी और इंग्लिश पढ़ना चाहिए और बाकी कोई नहीं, तो भाई 6 लोग मैथ भी तो पढ़ रहे हैं, जब वो मना कर रहा है तो इस वाले एरिया को क्या करेंगे, हटा देंगे, तो सिर्फ इतना एरिया बचेगा जो केवल और केवल हिंदी और इंग्लिश को कॉमन करेगा, तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब समझ में आ रही मेरी बात, अब समझ में आ रही मेरी बात, तो दोस्तों अब दूसरे पॉइंट में मैं आपको लेकर चलता हूं, ये बात कंप्लीट हो गई। अब यहां पर आते हैं इंग्लिश और मैथ की बात करते हैं, तो आपको बताना है कि ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या क्या होगी, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी जो इंग्लिश और मैथ दोनों पढ़ते हैं। तो ध्यान से आपको यह देखना है कि इंग्लिश और मैथ का एरिया पूरा यहां से लेकर यहां तक क्या है, कॉमन है। तो बताओ इंग्लिश और मैथ का एरिया पूरा यहां से यहां तक कॉमन, भले ही 6 लोग हिंदी पढ़ रहे हो लेकिन उसको हिंदी से प्रॉब्लम नहीं है, उसने कहा कि इंग्लिश और मैथ, तो भाई 6 लोग हिंदी पढ़ रहे हैं लेकिन इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, मैथ भी पढ़ रहे हैं, तो हमें काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि ओनली शब्द की तो बात किया नहीं उसने। तो कह रहा है कि ऐसे लोगों की संख्या बताओ जो इंग्लिश और मैथ पढ़ रहे हैं, तो जितना भी एरिया इंग्लिश और मैथ का कॉमन है उसको काउंट कर लेंगे, तो 6 और 8 को काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा कितना आएगा, 14। अब मैं आशा करता हूं कि प्रश्न आप सबका सही हो जाएगा, तो 6 और 8 को जोड़ देंगे तो 14 आएगा। लेकिन दोस्तों अगर यहीं पर ओनली शब्द लगा देगा कि केवल इंग्लिश और मैथ पढ़ने वाले लोगों की संख्या बताओ, तो जब ओनली शब्द लगा देगा तो आपको यहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी, और मैं बता देता हूं कि यहां प्रॉब्लम क्या हो जाएगी। भाई आपको उसने कहा कि अब इंग्लिश और मैथ पढ़ना चाहिए केवल, लेकिन 6 लोग ऐसे हैं जो हिंदी भी पढ़ रहे हैं, तो इसको हटा दो, तो केवल इंग्लिश और मैथ पढ़ने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो यह हो गया इस प्रश्न का सही आंसर। समझ में आ गई बात, तो दोस्तों यहां पर हमने देख लिया, तो यहां पर जब केवल की बात करता है तो केवल इंग्लिश और मैथ की बात करता है, तो केवल और इंग्लिश और मैथ की बात करेंगे, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको जो है हिंदी वाले को हटा देंगे, तो 8 लोग बचेंगे जो केवल और केवल इंग्लिश और मैथ का अध्ययन करते हैं और बाकी किसी का नहीं। एक पॉइंट आपका यह क्लियर हुआ। अब बात करते हैं मैथ और हिंदी की, तो अगर मैं कहूंगा कि ऐसे विद्यार्थियों की संख्या को बताना है जो मैथ भी पढ़ते हो और हिंदी भी पढ़ते हो, तो मैथ और हिंदी की बात करें तो मैथ और हिंदी का जितना भी एरिया कॉमन होगा उसको आपको यहां से काउंट करना है, तो मैथ और हिंदी का एरिया पूरा यहां से लेकर यहां तक क्या है, कॉमन है। तो जब मैथ और हिंदी का एरिया पूरा कॉमन है कितना, तो 7 और 6, तो यहां पर 7 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 और 6 बराबर कितना होगा, 13। तो यहां पर आंसर क्या आएगा, 13 आ जाएगा। अब दोस्तों अगर यही पर ओनली शब्द लगा दे कि केवल ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बताओ जो केवल मैथ और हिंदी पढ़ते हैं, तो भैया 6 लोगों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि 6 लोग जो हैं वो 6 लोग जो हैं वो क्या करते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं लेकिन इंग्लिश से उसको प्रॉब्लम है, तो यहां पर कितना बचेगा, केवल 7 आंसर के रूप में बचेगा। कितना बचेगा, केवल 7 बचेगा। बस ये प्रश्न आपको करना है, तो इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछता है तो बस बाकी ये जब कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे तो किसी भी प्रकार का प्रश्न आए आप आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गई बात, तो ये हो गया हमारा पॉइंट। अब इसी प्रकार के प्रश्न आपके आएंगे, कौन क्या चीज होती है। अगर यहीं पर एक प्रश्न और पूछ देगा कि ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बताओ जो हिंदी भी पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं और मैथ भी पढ़ते हैं, ये भी प्रश्न बहुत पूछता है, तो इसके बारे में तो आप सब लोग जान ही गए होंगे कि ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जो हिंदी भी पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं और मैथ भी पढ़ते हैं, मतलब तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ जाएगी जो तीनों में कॉमन होगा, और तीनों में कॉमन क्या है, 6। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये कॉन्सेप्ट और ये पॉइंट आप सबके दिमाग तक पहुंच पाया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि मैंने बहुत ही आराम से और शानदार तरीके से अपनी तरफ से कोशिश की है कि आप सभी को यह बात समझ में आ जाए। अब इसी से रिलेटेड प्रश्न आपके सामने आएंगे, इन प्रश्नों को आपको जो है आगे लेकर चलना है और एक एक प्रश्नों को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर यह कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया, इससे पहले मैंने इसके बारे में पहले मैंने 2 को लेकर समझाने का प्रयास किया था, फिर मैंने आपको 3 को लेकर समझाने का प्रयास किया, इसी के आधार पर आपको अपने कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं। तो यहां पर शुरुआत करने से पहले आप सब एक बात देख पा रहे होंगे कि यहां नितिन के सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप सबको प्रोवाइड की गई है, यहां पर आप सब देख पा रहे होंगे हिंदी की किताब आप सबके सामने आ चुकी है, नितिन सर के द्वारा जो हिंदी की बुक आप सबके सामने है, इसके बारे में आप सब जानते हैं, और अगर आपको इसको जो है पढ़ना है तो आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं। ये आ गया प्रश्न आप सबके सामने, इस प्रश्न को पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। देखिए अभी तक यही चीजें मैं आपको बार बार बता रहा था, और ऐसे प्रश्न पूछता है और उस प्रश्न की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना होता है, ध्यान से समझना होता है, तभी हम आंसर तक क्या करते हैं, पहुंच पाते हैं। कहता क्या है, ध्यान से समझिएगा,
प्रश्न कह रहा है कि दिए गए आरेख में वृत्त पेशेवरों को दर्शाता है। अब यहां पर पहले आपको यह समझना होगा कि जो डायग्राम से बना हुआ है इसमें वृत्त क्या है। अगर यह नहीं जानोगे तो प्रश्न नहीं कर पाओगे। तो कह रहा वृत्त पेशेवरों को, तो वृत्त मतलब सर्कल, तो यह क्या है? वृत्त है। और यह किसको बताता है? पेशेवरों को बताता है। तो यहां पर लिख लो पेशेवर, ठीक है ना, यहां पर लिख लिया दर्शाता। फिर बोला है कि वर्ग नर्तकों को दर्शाता है। वर्ग का क्या मतलब होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, तो ये वर्ग है। और ये वाला किसको दर्शाता है? नर्तकों को दर्शाता है। तो यहां नर्तक लिख लेंगे, ये हो गया। वर्ग क्या करता है? नर्तकों को दर्शाता है। इतनी बात हमने यहां पर लिख ली। फिर आगे क्या बोला है? त्रिभुज संगीतकारों को दर्शाता है। तो ये त्रिभुज है, और त्रिभुज किसको दर्शाता है? संगीतकारों को दर्शाता है। तो मान लो ये संगीतकार हो गए, ये हमने लिख लिया यहां पर। आगे एक स्टेप और बचा है कि आयत यूरोपियनों को दर्शाता है। आयत मतलब ये है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ये किसको दर्शाता है? यूरोपियनों को। तो यूरोपी है ना, तो जो यूरोपियन है, जो यूरोपियन है उनको दर्शाता है। तो यहां पर हमने इसको बना लिया। अब सारी चीजें हमने लिख लिया। अब हमसे जो प्रश्न पूछेगा बस उसका हमें क्या करना है? जवाब देना है। अब पूछा क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। कह रहा कि आरेख में तो नर्तक हैं और ना ही संगीतकार। आरेख में जो नर्तक हैं और ना ही संगीतकार, किंतु पेशेवर हैं और यूरोपियन नहीं। आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। आरेख में तो नर्तक हैं और ना ही संगीतकार, प्रश्न, किंतु पेशेवर हैं और यूरोपियन नहीं। मतलब देखो, नर्तक हैं, ध्यान से समझना, उसने क्या कहा? नर्तक हैं और ना ही संगीतकार, है ना। आरेख में ना तो नर्तक हैं और ना ही संगीतकार, किंतु पेशेवर हैं और यूरोपियन नहीं है। तो कुल मिलाकर उसने कहा ना नर्तक होना चाहिए, ना संगीतकार होना चाहिए और ना यूरोपियन होना चाहिए, लेकिन पेशेवर होना चाहिए। तो कुल मिलाकर केवल पेशेवरों की संख्या पूछा है। क्या पूछा है? केवल पेशेवरों की संख्या। लैंग्वेज को ध्यान से कह रहा, आरेख में तो नर्तक और आरेख में ना तो नर्तक है, थोड़ा यहां मिस्टेक है लैंग्वेज थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। कह रहा कि आरेख में ना तो नर्तक है और ना ही संगीतकार। ना नर्तक होना चाहिए, ना संगीतकार होना चाहिए और ना ही यूरोपियन होना चाहिए, मतलब किंतु पेशेवर होना चाहिए। तो आपको कुल मिलाकर केवल पेशेवरों की संख्या, तो केवल पेशेवरों की संख्या, भाई पेशेवर का डायग्राम तो ये हो गया, वृत्त हो गया। तो यहां पर आपको देखना है, तो केवल पेशेवरों की संख्या कौन दर्शाता है? 10। और 10 कहां है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। और जिन बच्चों ने 10 आंसर दिया है उन सभी का आंसर सही हो जाएगा। ये गलत है, गलत कुछ नहीं है। प्रश्न की लैंग्वेज थोड़ा सा यहां पर डिफरेंट थी, मैंने उसको समझाने का आपको प्रयास किया है। कुल मिलाकर आप लैंग्वेज को जब पकड़ पाएंगे तो प्रश्न को भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो मैं लेकर चलता हूं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में आ जाओ और इसको बताओ भैया। कह रहा कि निम्न आकृति का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा कि निम्न में से कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती है जो विवाहित नहीं है? ध्यान से समझो। कह रहा कि निम्न में से कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती है जो विवाहित नहीं है? तो डॉक्टर कौन है? त्रिभुज। यहां पर दिखा रहा है ना, पहले यहां से लिख लो। डॉक्टर कौन है? त्रिभुज है, लिख दिया। प्रोफेसर कौन है? वृत्त। ये क्या है? प्रोफेसर है। और इसके बाद विवाहित व्यक्ति को वर्ग दर्शाता है, तो ये विवाहित व्यक्ति को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? ये विवाहित व्यक्ति को दर्शाएगा। अब आप ध्यान से देखिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का, उसने कहा क्या है कि निम्न में से कौन सी ऐसी संख्या ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती है जो विवाहित नहीं है? तो कुल मिलाकर लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो। उसने कहा कि ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती है जो विवाहित नहीं है, मतलब डॉक्टर तो होना चाहिए लेकिन विवाहित नहीं होना चाहिए, उसको विवाहित से प्रॉब्लम है। तो विवाहित के डायग्राम को पूरा हटा दो, उसको लेने की आवश्यकता नहीं है। अब जितना भी डॉक्टर में बचेगा, तो डॉक्टर का एरिया कितना बचा? अगर विवाहित को, भाई विवाहित को हटा दिया जाए तो इतना एरिया तो पूरा निकल जाएगा। तो डॉक्टर देखो, उसको प्रोफेसर होगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रोफेसर से प्रॉब्लम नहीं है। उसने कहा कि निम्न में से ऐसी कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती है जो विवाहित नहीं है, मतलब विवाहित नहीं होना चाहिए। अब आप यह देखो कि डॉक्टर के एरिया में क्या बचा? 5 और 1 बचा, तो 5 और 1 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 6। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। और अगर आपने 6 दिया है तो आपका आंसर सही होगा, क्योंकि उसको विवाहित से प्रॉब्लम थी, उसको डॉक्टर प्रोफेसर से प्रॉब्लम नहीं थी। इसलिए 5, भाई 5 लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर भी और प्रोफेसर भी है, तो उसको प्रोफेसर से प्रॉब्लम नहीं है, उसको विवाहित होने से प्रॉब्लम है। तो विवाहित के डायग्राम को पूरा हमने हटा दिया, तो 5 और 1 टोटल बचेगा 6। और 6 का है ऑप्शन नंबर सेकंड में। और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है उनका प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया।
आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो के बाद क्वेश्चन नंबर तीन में। क्वेश्चन नंबर तीन को पढ़ो भाई और बताओ किस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान से पढ़ो और बताओ। कह रहा है कि वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित ना पढ़ने वालों को छात्रों को दर्शाता है। ध्यान से पढ़ो भैया, इस प्रश्न को पढ़िए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सबको ध्यान से पढ़ना है और बताना है किसका आंसर क्या होगा जल्दी से। कह रहा है कि वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित ना पढ़ने वालों को दर्शाता है। मतलब गणित नहीं पढ़ना चाहिए, जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ना चाहिए। तो जीव विज्ञान और कंप्यूटर का जितना एरिया होगा कॉमन, तो जीव विज्ञान और कंप्यूटर का इतना एरिया पूरा कॉमन है। अभी ऐसा प्रश्न मैंने बताया था, लेकिन कह रहा है कि गणित नहीं पढ़ना चाहिए, तो गणित का जितना भी एरिया होगा उसको यहां से हटा दो। तो गणित का पूरा एरिया हम इसको हटा देंगे। ध्यान से अगर आप सब देख पा रहे होंगे तो गणित के एरिया को यहां से क्या करना है, हटा देना है। तब कितना एरिया बचता है, सात। तो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, सात। और सात कहां है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर तीसरा सात आंसर दिया होगा उनका आंसर सभी का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बोलो समझ में आई बात ना, क्योंकि उसने कहा कि जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ना चाहिए लेकिन गणित नहीं पढ़ना चाहिए। तो गणित से प्रॉब्लम था तो गणित को हटा दिया। अब जीव विज्ञान कंप्यूटर में जितने छात्र कॉमन होंगे तो सात छात्र कॉमन है, तो सात आंसर आ जाएगा। बाकी यहां पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है ना। तो चलिए प्रश्न कंप्लीट हुआ, आइए मैं आप सबको लेकर चलता हूं अगले प्रश्न में। तो क्वेश्चन नंबर चार दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर चार को पढ़िएगा और बताइएगा किसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो कह रहा है कितने शिक्षक ना तो लेखक है और ना ही संगीतज्ञ, आपको बताना है कितने शिक्षक। तो इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए कि यहां पर उसने बता दिया है कि जो त्रिभुज है वो शिक्षक है। मैं यहां पर लिख देता हूं कि जो त्रिभुज है वो क्या है, शिक्षक है, जिससे आपको आसानी हो। इसके बाद उसने कहा है कि जो आपका क्या है आयत है वो क्या है, लेखक है। तो ये लेखक को डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है, लेखक को डिनोट करता है। और सर्कल जो वृत्त है वो संगीतज्ञ को डिनोट करता है, किसको करता है, संगीतज्ञ को करता है। अब प्रश्न को एक बार पढ़ो और सभी लोग आंसर बताओ। मैं एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ रहा हूं। कह रहा है कि कितने शिक्षक ना तो लेखक है और ना संगीतज्ञ, मतलब ऐसे शिक्षकों की संख्या बताओ ना वो लेखक हो और ना संगीतज्ञ। तो दोस्तों अगर शिक्षक की बात करें तो शिक्षक तो पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक है, ये शिक्षक का डायग्राम है त्रिभुज वाला। लेकिन उसने कहा कि संगीतज्ञ नहीं होना चाहिए, आपको यह भी बात ध्यान देनी है। उसने कहा कि यहां पर संगीतज्ञ ना हो और ना ही लेखक हो, तो यहां पर लेखक के डायग्राम को पूरा हटा देंगे, लेखक को काउंट नहीं करना और ना ही संगीतज्ञ को काउंट करना, यह भी हट जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षक में कितना बचेगा, एक, और एक कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो कुल मिला के आपसे वो ये पूछना चाह रहा था कि केवल लेखकों की संख्या, तो केवल शिक्षकों की संख्या, तो केवल शिक्षकों की संख्या कितनी आएगी, एक। तो यहां पर केवल शिक्षक है, जो केवल और केवल शिक्षक है, ना लेखक है ना संगीतज्ञ, ऐसे कितने लोग हैं यहां पर, एक लोग हैं। और एक का है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर फर्स्ट बताया होगा उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चार नंबर कंप्लीट हो गया, आइए मैं चलता हूं अब अगले प्रश्न में लेकर। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर पांच आ चुका है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो पहले इसको आपको लिखना पड़ेगा किसका क्या मतलब है। इसने कहा कि नीचे दिए गए प्रश्न निम्न आकृति पर आधारित है, इनमें वृत्त खिलाड़ियों को, तो दोस्तों जो वृत्त है मान लीजिए वृत्त है और ये किसको दर्शाता है, ये खिलाड़ियों को दर्शाता है। आपको भी एग्जाम हॉल में लिखना पड़ सकता है, कभी कभी लिखा हुआ मिल जाता है और कभी कभी लिखना पड़ता है। वृत्त खिलाड़ियों को, त्रिभुज डॉक्टरों को दर्शाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये क्या है, ये त्रिभुज है और त्रिभुज किसको दर्शाता है, डॉक्टर को, तो डॉक्टर हो जाएंगे। और फिर बोला क्या, एवं आयत कलाकारों को, तो ये क्या है, ये आयत है और किसको दर्शाता है, ये कलाकारों को दर्शाता है। अब जो आपसे पूछेगा वो हमको यहां से निकाल के क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो पूछा क्या है पहले इसकी बात हम लोग ध्यान दे लेते हैं। कह रहा कि कौन सा अक्षर खिलाड़ी के साथ केवल कलाकार को निरूपित करता है, कौन सा अक्षर खिलाड़ी के साथ केवल कलाकार को निरूपित करता है। इसका मतलब केवल शब्द लिख दिया, खिलाड़ी के साथ केवल कलाकार, मतलब डॉक्टर को उससे क्या है प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर के डायग्राम को हटा दो, तो डॉक्टर के डायग्राम को देखो। अब देखो ऐसे कितने लोग हैं जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं, तो खिलाड़ी का डायग्राम पूरा यहां से लेकर इसको हटा दिया, तो यहां से लेकर इतना बच गया इसमें जो कॉमन है। और इसका अगर डायग्राम की बात करें कलाकार की, तो कलाकार का डायग्राम यहां तक है, तो दोनों में कितना कॉमन बच गया, एफ। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, एफ।
एफ, और एफ कहां है ऑप्शन नंबर सेकंड में, और जिन बच्चों ने एफ बताया होगा उनका सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि उसने साफ साफ बोला है कि खिलाड़ी के साथ केवल कलाकार को, मतलब खिलाड़ी भी और कलाकार भी हो लेकिन डॉक्टर नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रश्न हमको यहां पर बताया था। तो आइए पांच की बात चलते हैं क्वेश्चन नंबर छह में। तो क्वेश्चन नंबर छह में दोस्तों चलने से पहले आप सब देख पा रहे होंगे कि एसएससी जीडी का जो लक्ष्य बैच टारगेट बैच स्टार्ट है उसमें से कंप्लीट कोर्स मात्र 699 में, कितने में, मात्र 699 में, और एसएससी जीडी का प्रैक्टिस बैच आपको पता है कि प्रीवियस ईयर का जो पेपर में आपको 12 बजे रोज लेकर आता हूं, ये बात आप सबको अच्छे से पता है, तो उसी के आधार पर अपनी प्रैक्टिस आप सब लोग कर सकते हैं। 3 बजे में आपको कोई ना कोई अटमडम में टॉपिक लेकर आऊंगा और जो भी लेकर आऊंगा एक पॉइंट में समाप्त करके आगे मूव ऑन करूंगा, लेकिन दोस्तों वहां पर 12 बजे एसएससी जीडी का प्रीवियस बैच का मैं आपको कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर छह में। क्वेश्चन नंबर छह को ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर छह का सही जवाब आप सबके अकॉर्डिंग क्या होगा। उसने कहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न निम्न आकृति पर आधारित है, इसमें इनमें वृत्त खिलाड़ियों को, फिर बोला है कि वृत्त खिलाड़ियों को, तो ये जो वृत्त है ये खिलाड़ियों को डिनोट करता है, तो पहले मैं यहां पर लिख देता हूं, लिखने के साथ ही आपको अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देने लगना है, ठीक है ना। वृत्त खिलाड़ियों को दर्शाता है, फिर बोला त्रिभुज डॉक्टरों को, तो ये त्रिभुज है और ये किसको दर्शाता है, ये डॉक्टरों को दर्शाता है, एवं आयत कलाकारों को, तो ये आयत है ये कलाकारों को, इससे पहले हमने इसको लिख चुके थे, उसी का दूसरा प्रश्न यहां पर आपसे पूछा है। तो कह रहा है कौन सा अक्षर खिलाड़ी एवं कलाकार के साथ डॉक्टर को दर्शाता है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। कह रहा है कौन सा अक्षर खिलाड़ी एवं कलाकार के साथ डॉक्टर को भी दर्शाता है, मतलब खिलाड़ी भी होना चाहिए, कलाकार भी होना चाहिए और डॉक्टर भी होना चाहिए, तो ऐसे अक्षर की संख्या आपको बताना है, कुल मिलाकर तीनों पूछा है, खिलाड़ी भी हो, कलाकार भी हो, मतलब तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाला, मतलब तीनों चीज होनी चाहिए उसमें, कलाकार भी हो, खिलाड़ी भी हो, डॉक्टर, तो ऐसा अक्षर कौन है, मात्र केवल ई जो तीनों में कॉमन है, और ये कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में, और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया होगा उनका आंसर सही हो जाएगा। समझ में आई बात, तो यहां पर दोस्तों हमने देख लिया तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आएगा बिल्कुल सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है ना। चलिए उत्तम कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा जल ग्रहण कर लीजिए, बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलती है, बिल्कुल एब्सोल्युटली सही बात है, चलो कम से कम आपने ख्याल तो किया, जिसके लिए बहुत बहुत आभार उत्तम, और जब मुझे जरूरत समझ में आएगी तो मैं जरूर कर लूंगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए सभी लोग, और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा आप सबको बताना है। कह रहा है कि दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहां पर देखो ये मराठी है, ये अंग्रेजी है और ये हिंदी है, क्या पूछा है इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताओ भाई सभी लोग कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ। चलिए बहुत बढ़िया, तो आंसर्स आप सबके आना शुरू हो गए हैं। अब मैं देखता हूं कि यहां पर प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। दोस्तों उसने क्या बोला है, कह रहा है कि नीचे दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आरेख में 1000 व्यक्तियों को उनकी अंग्रेजी, हिंदी और मराठी की जानकारी के संबंध में एक नमूना सर्वेक्षण के सर्वेक्षण जो है नमूना सर्वेक्षण को दर्शाया गया है। फिर कह रहा है कितने लोग सभी भाषाएं जानते हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है। कह रहा है कि कितने लोग ऐसे हैं जो सभी भाषाएं जानते हैं, मतलब जो मराठी भी जानते हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी है, 175, और 175 का है ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो ये आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और जिन बच्चों ने 175 आंसर दिया है उन सब का प्रश्न बिल्कुल सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 105 व्यक्ति कौन सी भाषाएं जानते हैं, आपको बताना है कि 105 व्यक्ति जो हैं, जो 105 व्यक्ति हो कौन सी भाषाएं जानते हैं, मराठी हिंदी जानते हैं या अंग्रेजी हिंदी जानते हैं, या मराठी अंग्रेजी जानते हैं, या हिंदी मराठी और अंग्रेजी जानते हैं, तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा।
तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर 105 की बात कर रहा है, तो 105 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल मराठी और अंग्रेजी को जानते हैं। तो मराठी और अंग्रेजी कहाँ जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरे में, मराठी और अंग्रेजी 105 की बात कर रहा है, तो हिंदी को आप कॉमन नहीं कर सकते। तो कह रहा है कि 105 व्यक्ति कौन सी भाषाएं जानते हैं, तो 105 व्यक्ति मराठी और अंग्रेजी जानते हैं, तो मराठी और अंग्रेजी कहाँ जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरे में, ये बात आपको ध्यान देना है। लेकिन बस यहाँ पर अंतर इतना आएगा कि केवल मराठी और अंग्रेजी जानते हैं, क्योंकि मराठी और अंग्रेजी में 175 भी आ जाएगा तो टोटल काउंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर केवल मराठी और हिंदी ऑप्शन में ऐसा था नहीं, इसलिए मराठी और अंग्रेजी आपको हिट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। तो ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया है, अब यहां पर देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़िए सभी लोग और बताइए कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या आएगा। उसने कहा है कि नीचे तीन आकृतियां दी गई है, 1, 2, 3 हम सब देख पा रहे हैं। फिर कह रहा है कि जो स्नातकों स्नातकोत्तरों और अधिकारियों को निरूपित करती है, स्नातक है स्नातकोत्तर है और ये क्या है अधिकारी है। कह रहा निरूपित करती है, कौन सा भाग निरूपित करता है कि सभी अधिकारी स्नातक और स्नातकोत्तर हैं, कि सभी अधिकारी स्नातक और स्नातकोत्तर हैं, कौन सा भाग ये डिनोट करता है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब आप सबको बताना है। बोली जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये बात आप सबको ध्यान से देखना है, तो इसको जल्दी से बताइए और इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पर दोस्तों कह रहा है कि स्नातक स्नातकोत्तर और अधिकारी की अगर हम सब बात करें तो उसी के आधार पर हमको क्या करना है लेकर चलना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर। तो चलिए आप लोगों के आंसर सुने होंगे, कुल मिलाकर देखिए हमसे क्या पूछ रहा है। कह रहा कि कौन सा भाग निरूपित करता है कि सभी अधिकारी, मतलब सभी अधिकारी भी होना चाहिए, स्नातक भी होना चाहिए और स्नातकोत्तर भी होना चाहिए, मतलब तीनों पार्ट होना चाहिए, अधिकारी भी स्नातक भी और स्नातकोत्तर भी, और तीनों पार्ट कहां का माने। यहां पर आप सब देख पा रहे हैं जी वाला, तो इस प्रश्न का आंसर जी आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर फर्स्ट जी बताया है उनका सभी का आंसर क्या करेगा सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बहुत बढ़िया, तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 9 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों आप सबके सामने आ चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। कह रहा है कि निम्न आरेख है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। तो कह रहा निम्न आरेख भौतिकी रसायन गणित पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है, तो भौतिकी रसायन और गणित पढ़ने वालों को दर्शाता है, ये बात हम सब भी देख पा रहे हैं, ठीक है। आगे क्या बोला है, कह रहा कि आरेख का अध्ययन करें और वह क्षेत्र पहचाने, ध्यान से समझिएगा, बोल रहा है कि आरेख का अध्ययन करें और वह क्षेत्र पहचाने जो उन छात्रों को दर्शाता है जो भौतिकी तथा रसायन दोनों पढ़ते हैं किंतु गणित नहीं। क्या बोला कि भौतिकी और रसायन दोनों पढ़ते हैं किंतु गणित नहीं पढ़ते, तो पहला काम यह आपको ध्यान देना है कि भौतिकी रसायन तो पढ़ना चाहिए लेकिन गणित नहीं, तो गणित को हटा दो पूरा, तो गणित के सर्कल को पूरा हटा देना है। अब आपको यह ध्यान देना कि कौन सा एरिया ऐसा है, कौन सा एरिया ऐसा है कि जो भौतिकी और रसायन में कॉमन है, तो इतना ही बचता है, इतना ही बचता है जो कॉमन है, और ये कहां पर है टी, तो टी आएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4। और अगर आप सबने ऑप्शन नंबर 4 टी दिया है तो ये प्रश्न भी आप सबका क्या करेगा सही हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो यहां पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को हमने देख लिया और क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर आएगा चौथा वाला आएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप सबने कंप्लीट किया होगा, और मैंने जैसा आप सब से वादा किया था कि 0 लेवल से शुरू करेंगे और एक एक क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे। तो अगर बताओ आप लोग सब बताओ कि अगर समझ में नहीं आ रहा हो, एक एक प्रश्न का आंसर नहीं दे पा रहे हो, तो आपको एक बार फिर से इस क्लास को देखनी चाहिए, क्योंकि आपको अब यहां से प्रॉब्लम नहीं बननी चाहिए, इतना मुझे उम्मीद आप सबसे करता हूं मैं। तो दोस्तों यहां पर देख पा रहे होंगे आप सभी लोग कि वीडियो री एग्जाम की बात किया जाए, तो वीडियो री एग्जाम 2018 का जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उसका री एग्जाम होने वाला है, और बहुत जल्द दिसंबर से फरवरी के आसपास इसी बीच समय में कहीं ना कहीं होने वाला है। तो इसके लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, तो यहां पर टॉप 15 मॉक टेस्ट स्टडी 91 ने प्रोवाइड किया है, और इसके बाद विद वीडियो सॉल्यूशन की बात कर रहा है, मतलब वीडियो सॉल्यूशन भी यहां पर दिया जाएगा जो भी आप मॉक टेस्ट दोगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाइए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए सभी लोग और बताइए किसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताओ।
तो चलिए कर लिया होगा आप सबने। अब मैं बता देता हूं आप सबको कि यहां पर क्या करना है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बहुत बढ़िया, तो डी 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 आप सब लोग बता रहे हो। तो यहां पर देखिए उसने पूछा क्या है, नीचे दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन छात्रों का द्योतक है जो गायक भी है और नर्तक भी है। कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन छात्रों का द्योतक है जो गायक भी हैं और नर्तक भी, मतलब छात्र भी हो, गायक भी हो और नर्तक भी। तो बताओ तीनों में क्या कॉमन है, और तीनों में कॉमन क्या है, डी। और डी यहां पर तीनों में कॉमन है, मतलब छात्र भी होना चाहिए। देखो छात्र का डायग्राम ये है, इसके बाद कह रहा है गायक भी होना चाहिए, और क्या बोला है कि नर्तक भी होना चाहिए, और तीनों में कॉमन क्या है, डी। और जिन बच्चों ने डी बताया होगा उनका आंसर सही हो जाएगा। और इसके सिवा अगर आप सबने आंसर दिया है तो भी भाई आपका आंसर गलत है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो डी यहां पर सही हो जाएगा, मतलब छात्र भी हो, गायक भी हो और नर्तक भी हो, तो तीनों में कॉमन की बात किया जाए। तो अगर आप बी बता रहे हो तो बी जो बात की, तो बी जो ऐसा है जो जिसमें गायक के अंतर्गत नहीं आता। अगर सी की बात करें तो सी ऐसा है जो नर्तक के अंतर्गत नहीं आता। तो इस प्रकार से केवल यहां पर अगर एफ की बात करें तो एफ ऐसा है जो छात्र नहीं है, इसलिए आपको ध्यान देना है। उसने कहा कि छात्रों का द्योतक है, मतलब छात्र भी हो, गायक भी हो, नर्तक भी हो, तो तीनों होना चाहिए डी में, और डी का है ऑप्शन नंबर सेकंड में। और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सेकंड डी बताया है उन सभी का आंसर क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न में। तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या होगा। कह रहा कि निम्नलिखित आरेख में कौन सी संख्या उन महिला डॉक्टरों को दर्शाती है जो रोजगार में नहीं है। क्या बोला उसने, कह रहा कि निम्नलिखित आरेख में कौन सी संख्या उन महिला डॉक्टरों को दर्शाती है जो बेरोजगार नहीं है। तो बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। कह रहा कौन सी संख्या उन महिला डॉक्टरों को दर्शाती है, कुल मिलाकर महिला भी होना चाहिए, डॉक्टर भी होना चाहिए, लेकिन रोजगार में नहीं होना चाहिए, यह बात आपको ध्यान देना है। तो रोजगार के डायग्राम को तो हटाई दो भैया, क्योंकि उसने रोजगार के लिए मना किया। तो यहां पर दिमाग लगाना, जितना भी इसके अंडर में आएगा उसको नहीं लेना। अब आपको यह देखना है कि महिलाएं और डॉक्टर कितना कॉमन है। तो यहां पर देखा जाए 7 बचता है, क्योंकि 9 की बात करें तो 9 लोग डॉक्टर नहीं है, 7 की बात करें तो 7 महिलाएं भी हैं, डॉक्टर भी हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा 7 आएगा, और 7 का है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर फर्स्ट 7 बताया होगा उन सभी का आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए कह रहे हैं कि दिख नहीं रहा सर जी, तो ठीक है मैं इसको चेंज कर दूंगा, परेशान मत होइएगा, इस कलर को मैं चेंज कर दूंगा। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न में दोस्तों आ जाइए सभी लोग और इसको पढ़िए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा। चलिए बताइए जल्दी से कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा। तो यहां पर दोस्तों क्या कह रहा है कि दिए गए रेखा चित्र में आयत महिलाओं को प्रकट करता है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, उसने कहा है कि दिए गए रेखा चित्र में आयत महिलाओं को प्रकट करता है, त्रिभुज पुलिस को प्रदर्शित करता है। यह क्या लिखा है, और कह रहा है त्रिभुज पुलिस के सब इंस्पेक्टरों को प्रकट कर व्रत स्नातकों को प्रकट करता है, किस अंक का क्षेत्र उस महिला सब इंस्पेक्टर को प्रकट करता है जो स्नातक नहीं है। देखो यहां कुछ और लिखा है, यहां कुछ और लिखा है ना। मुझे लगता है कि प्रश्न किसी और का टाइप हो गया है, डायग्राम किसी और का बन गया है, तो इस प्रश्न को थोड़ा सा हमको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और गलत प्रश्न करना या कराना ना आपकी फितरत में है गलत प्रश्न करना, ना मेरी फितरत में है गलत प्रश्न कराना। चलिए कभी अनजाने में चीजें हो जाए, जल्दबाजी में चीजें हो जाए, मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन अगर मुझे चीजें समझ में आ गई कि नहीं गलत है तो मैं कभी भी आज तक कोई प्रश्न नहीं कराता, मैं उसको हटा देता हूं। इंसान है, त्रुटियां कभी कभी हो जाती हैं, ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है कि बच्चे सामने होते हैं तो अगर कुछ गलती होती है तो बल्कि बता देते हैं कि सर यहां पर, तो उसको हम सही कर देते हैं, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि अगर एक बार आगे निकल गए तो फिर निकल गए, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर बाद में आप लोग जब कमेंट करते हो कि सर यहां पर प्रश्न गलत हो गया था, तो हम देखते हैं, तो फिर अगर गलत होता तो फिर कुछ कर भी नहीं सकते उसमें, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न में। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। कि निम्नांकित आरेख में एक दुसंयुक्त त्रिभुज वर्ग एवं वृत्त को दर्शाया गया, कम से कम ग्रामीण मेधावी विद्यार्थी वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। करा निम्न आरेख में ए से जी क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो कि ग्रामीण विद्यार्थियों को निरूपित करता है जो कि मेधावी नहीं है। तो बताइए यहां पर करा ऐसे ग्रामीण विद्यार्थी,
करा जो जो कि ऐसे ग्रामीण विद्यार्थी, मतलब ग्रामीण भी हो और क्या हो विद्यार्थी भी हो, करा निरूपित करता लेकिन मेधावी, मेधावी नहीं लिखा है, मेधावी होना चाहिए, तो यहाँ पर मेधावी नहीं है, तो आपको जितना भी मेधावी होगा मेधावी के डायग्राम को पूरा हटा दो। तो ऐसे करेंगे तो प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होगा। उसने कह रहा कि मेधावी नहीं है तो मेधावी को हटा दो। अब उसने कहा है कि ऐसे ग्रामीण विद्यार्थी, तो कह रहा है ग्रामीण भी हो विद्यार्थी भी हो, अब दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में सिर्फ डी कॉमन बचता है, ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि डी लोग ऐसे हैं जो विद्यार्थी भी है और क्या है ग्रामीण भी है, तो इसका जो आंसर आएगा पहला वाला, और अगर पहला वाला आपने डी बताया है तो आप सभी का प्रश्न क्या करेगा सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर आएगा वो डी वाला क्या करेगा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि प्रश्न आप सबका क्लियर हो गया होगा 14 नंबर। अब मैं आप सबको लेकर बढ़ता हूं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न दोस्तों आप सबके सामने 15 नंबर, 15 नंबर को पढ़िएगा और बताइएगा सभी लोग किस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या आएगा। कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में वृत्त सूचक है शक्तिशाली, तो आपको ध्यान देना है कि जो वृत्त है वो किसका सूचक है शक्तिशाली का। तो मैं यहां पर लिखता चलूंगा, जहां पर लिखने की आवश्यकता होगी मैं आपको लिख दूंगा कि प्रश्न आपको गलत नहीं देना। उसने कहा है कि वृत्त शक्तिशाली, उसने कहा है कि नीचे दिए गए चित्र वृत्त सूचक है शक्तिशाली, वर्ग सूचक है धनवान, ठीक है ना। तो जो वर्ग है वो सूचक है किसका, धनवान का, तो ये धनवान लोगों को बताएगा जो धनी लोग हैं। इसके बाद कह रहा है तथा त्रिभुज सूचक है नेता का, तो जो नेता लोग हैं वो किसको बताता है त्रिभुज को बताता है। तो ये बात आपके सामने आ गई है, अब जो हमसे पूछेगा अब हमको उसको आसानी से क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। पूछा क्या है उसने, तो तीनों विशेषताओं वाले कितने है? कह रहा है तो तीनों विशेषताओं वाले कितने हैं, तो बताइए कि तीनों विशेषताओं वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो तीन, क्योंकि तीनों विशेषताएं इसमें हैं, नेता भी है धनवान भी है और शक्तिशाली भी है, तो ऑप्शन नंबर पहला आएगा। और अगर आप सबने ऑप्शन नंबर पहला या तीन बताया है तो आपका प्रश्न एब्सोल्युटली क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 हुआ कंप्लीट, आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो दोस्तों अगले प्रश्न में चलने से पहले आप सबको पता है कि नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ईबुक्स प्रोवाइड किया गया है बहुत ही शानदार और खूबसूरत चीज है, यहां पर ये नोट्स हैं, अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो आप इनको लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाइए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि नीचे दिए गए रेखा चित्र का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। पूछा क्या है, गांवों में कार्यरत अहित एवं अनुभवी डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व कितना है, तो अहित डॉक्टर कितने, अहित डॉक्टरों को दिखाता है त्रिभुज, तो यहां लिख देता हूं, यह आपको अहित डॉक्टरों को बताता है, ठीक है ना। इसके बाद अनुभवी डॉक्टरों को यह बताता है, तो यहां पर लिख देते हैं अनुभवी डॉक्टर, ध्यान से देखते चलिएगा, और इसके बाद आपको अपना आंसर देना है। ये अनुभवी डॉक्टरों को दर्शाता है और ये गांवों में कार्यरत डॉक्टरों को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है, ये गांवों में कार्यरत डॉक्टर को, ये गांवों में जो कार्यरत हैं, जो गांवों में इलाज कर रहे हैं उनकी बात करता है। अब आपसे पूछा क्या है उसको ध्यान से देखो और प्रश्न का आंसर दे दो। कह रहा है कि गांवों में कार्यरत अहित एवं अनुभवी डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व, मतलब कह रहा है कि गांव में कार्यरत हो अनुभवी हो और कह रहा है अहित एवं अनुभवी, अहित भी हो और अनुभवी, तो कुल मिलाकर तीनों चीजें होनी चाहिए, गांव का भी होना चाहिए, अहित डॉक्टरों का होना चाहिए और अनुभवी भी होना चाहिए, तो कैसी संख्या कितनी है, पांच, और पांच का है ऑप्शन नंबर सेकंड में। अगर आपने पांच दिया है उनका बिल्कुल प्रश्न सही हो जाएगा, अगर आपने पांच दिया है तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बहुत बढ़िया, और मैं आशा करता हूं कि सेशन आप सबको समझ में आया होगा। तो ढेर सारे 15-16 प्रश्न साथ में कॉन्सेप्ट, और इस प्रकार के प्रश्न अगर अब आप सबके सामने आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको अब किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम यहां पर होने वाली है। तो थैंक यू आप सभी को। तो अब बताओ भैया, सर जी हमने हिया क्या, सॉरी सर क्लास बाद में देख लेंगे, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चले बढ़िया। तो चलिए ठीक है दोस्तों, और मैं देख रहा था कि शायद कुछ आप लोग बोल रहे थे, तो कोई बात नहीं। तो यहां पर हम सब ने देखो, अब मैं आप सबको बता दूं, एके सर ओके सर धन्यवाद, जानकी मौर्य थैंक यू आप सभी को। तो यहां पर दोस्तों मैं बता दूं, यहां पर केपी करी नाइस क्लास सर, थैंक यू केपी, आप सभी बच्चों को धन्यवाद। तो देखो दोस्तों मैं बीच में बात क्यों नहीं करता, क्योंकि मैंने कई दिन से एनालिसिस कर रहा था कि हम लोग बीच में बातचीत ज्यादा कर रहे थे और थोड़ा सा पढ़ाई का नुकसान हो रहा था, तो आप लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज करिएगा, क्योंकि हमारा काम है मैंने पढ़ना, क्योंकि आप एक घंटे पढ़ने के लिए आते हैं बतियाने के लिए, तो पूरा दिन रात आपके सामने पड़ी रहती है, तो आप कभी भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी जब आ
आ गई है, समय जब हमारे पास कम है, तो हमारा दायित्व है कि आपको सिर्फ वो काम दे, उस काम पे आपको बिजी रखे जो जिससे हमारा भविष्य बनने वाला है, क्योंकि बातचीत तो जीवन भर करना, एक बार भविष्य बन जाएगा तो फिर हम लोग बात करते रहेंगे, ठीक है ना। तो नाइस सेशन सर, थैंक यू सभी को। तो चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अब जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया, सर मेरा एक क्वेश्चन गलत गया, कोई बात नहीं चाहे, तो यहां पर आपको परेशान नहीं होना। तो देखो मैंने क्या कहा था कि मैं रोज एक नया टॉपिक आप सबके सामने लेकर आऊंगा, तो देखो अलग अलग तरीके से मैं आप सबके सामने लेकर आता हूं, और इसी प्रकार से आगे हम लोग क्या करेंगे, बढ़ते रहेंगे। तो सभी लोग तैयार रहिएगा, और मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, और इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सभी को, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए थैंक यू सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं आप सबसे कल, थैंक यू।